स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर विनोद कामले इन दिसंग टू सी द्वेश्चन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आई एम सी मीन इंटेग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन ना ये इंटेग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है यह ऑलरेडी हम लोग ने देखा है शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कम्युनिकेट करते है और कस्टमर को अवेयर करते हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट जैसे कि एडवर्टाइजिंग है सेल्स प्रमोशन है सेल्समैनशिप है पब्लिसिटी है पैकेजिंग है ये सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स है जिसके थ्रू मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाते हैं और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर करते हैं। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि जो मार्केटर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज नहीं करना चाहिए तो मल्टीपल मार्केटिंग को यूज करना चाहिए जैसे थोड़ा 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 एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन सेल्समैनशिप ऐसे सबको इंटीग्रेट करना या सबको कंबाइन करना उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बोला जाता है अभी हम लोग को देखना है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो आई को किस तरीके से हेल्प करता है सो so,

सर्वाइव करने के लिए एडवर्टाइजिंग जो होता है वो मार्केटर को हेल्प करता है सो हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाव डेज एडवर्टाइजिंग क्या होता है तो ये पेड फॉर्म होता है मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा देना पड़ता है मतलब हम लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट करें या ऐसे होर्डिंग्स लगाए या न्यूज पेपर मैगजीन इंटरनेट कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो मार्केटर को पैसे पे करने पड़ते हैं एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन होता है नॉन पर्सनल इसके लिए बिकॉज यहाँ पे एडवर्टाइजर और कस्टमर्स के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है मतलब टीवी में अगर एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है तो कस्टमर सिर्फ उसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या होर्डिंग्स पे एडवर्टीजमेंट लगी है तो उसको कस्टमर देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे कस्टमर को अगर कोई डाउट होगा तो कस्टमर कैन नॉट आस्क देम क्वेश्चन सो देर इज नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसके लिए एडवर्टाइजिंग को नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन बोला जाता है देन एडवर्टाइजिंग गुड्स और सर्विसेज दोनों का भी होता है गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल चीजें हो सकती है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं सोप हो सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर ज्वेलरी व्हीकल्स इनको गुड्स बोलते हैं और सर्विसेज मतलब कोई भी नॉन टेंजिबल जैसे कि बैंक हो सकते हैं इंश्योरेंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज हो सकती है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तो इनके भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आइडियाज का भी एडवर्टीजमेंट होता है ना आइडियाज का एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होता है जैसे हमारे यहाँ पे सोसाइटी में काफी सारे इविल्स होते हैं इविल मतलब बुराइयां होती है जैसे हमारे यहाँ पे पोलियो का प्रॉब्लम हुआ करता था रिसेंटली कैंसर जैसी बीमारी या फिर कोरोना वायरस जैसी बीमारी या फिर गर्ल्स एजुकेशन के बारे में प्रॉब्लम है एनवायरमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये सब जो सोसाइटी के अंदर इविल्स या प्रॉब्लम्स है इनके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना उसको आइडियाज का एडवर्टीजमेंट बोलते हैं जैसे हम लोग देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सेव वॉटर या फिर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ये जो एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं ये सब आइडियाज का एडवर्टीजमेंट होता है और बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट करते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो इस हिसाब से एडवर्टाइजिंग जो होता है गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ आइडियाज का भी होता है और एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स मतलब कुछ स्पॉन्सर होते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई कंपनी होती है जो वो एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर करते हैं सो तो इस हिसाब से एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन होता है एडवर्टाइजिंग गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ आइडियाज के लिए भी किया जा सकता है और एडवर्टाइजिंग को आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जो होते हैं स्पॉन्सरशिप करते हैं ना एडवर्टाइजिंग जो होता है लोगों के मतलब इस तरीके से को किया जाता है और उसके अंदर के बारे में सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं और वो प्रोडक्ट को कस्टमर ने क्यों परचेस करना चाहिए वो सब कुछ एडवर्टीजमेंट में डिस्प्ले करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है और फिर एडवर्टीजमेंट को रिपीट करके कस्टमर को इंड्यूस किया जाता है सो देट दे कैन बाय द प्रोडक्ट ना एडवर्टीजमेंट जो होता है वो अलग अलग मीडियाज में किया जा सकता है जैसे न्यूज मैगजीन रेडियो इवन टीवी के अंदर कैटलॉग में या डायरेक्ट मेल मतलब कस्टमर के घर पे एक लेटर या ब्रोशर वगैरह भेजा जा सकता है उसको डायरेक्ट मेल बोलते हैं या होर्डिंग मतलब ऐसा हाईवे के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है या मोबाइल फोन के अंदर एसएमएस के थ्रू या फिर आप लोग देखते हो कि आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हो या कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट दिखती है सो so, ऐसे अलग अलग मीडियाज होते हैं और इसके अलावा भी काफी सारे मीडियाज है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है ना एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीजमेंट जो होता है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट होगा तो मार्केटर चाहते हैं कि उसके बारे में कस्टमर के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो बिकॉज जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगा कस्टमर और प्रोडक्ट को डिमांड नहीं करेंगे और मोस्टली कस्टमर्स उसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जिसके बारे में वो अवेयर है सो so, एडवर्टीजमेंट जो होता है वो अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है दूसरा एडवर्टीजमेंट जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है जैसे कुछ नए प्रोडक्ट होते हैं तो उसके तरफ कस्टमर का न्यूट्रल एटीट्यूड होता है सो एडवर्टीजमेंट की वजह से वो न्यूट्रल एटीट्यूड को पॉजिटिव किया जा सकता है या कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे मैगी है तो इनके बारे में एक नेगेटिव एटीट्यूड लोगों के बीच में डेवलप होता है वो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है तो एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है देन जो ब्रांड की इमेज क्रिएट करता है जैसे कि हम लोग को फेयरनेस क्रीम की बात करते हैं तो फेयर एंड लवली याद आता है अगर हम लोग को टू मिनट्स में कुछ चाहिए रहेगा तो मैगी याद आता है तो so ये सब ब्रांड इमेज है ब्रांड इमेज मतलब क्या प्रोडक्ट का पिक्चर जो है कस्टमर के माइंड में क्रिएट करने का तो वो एडवर्टीजमेंट से पॉसिबल होता है देन इंप्रूव कॉर्पोरेट इमेज कॉर्पोरेट इमेज मतलब क्या होता है कंपनी की इमेज सो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी की इमेज भी जो है एनहांस की जा सकती है अभी ब्रांड इमेज क्रिएट करके मार्केटर क्या चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांड का या प्रोडक्ट का सेल बढ़े कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट करके मार्केटर चाहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स है वो कंपनी को सपोर्ट करे जैसे शेयर होल्डर कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करे या सप्लायर कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे कस्टमर जो है कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करे तो ये सब स्टेक होल्डर्स की कंपनी को जरूरत होती है या उनका सपोर्ट कंपनी को चाहिए रहता है इसके लिए कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना कॉर्पोरेट इमेज भी बिल्टअप करती है और लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू फेस द कॉम्पिटिशन जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे उतना वो प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिशन को फेस कर पाएगा जैसे आप लोग देखते हो अमूल हो गया या फिर कोलगेट का एग्जाम्पल ले लो ये प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट जो होती है वो हमेशा टीवी पे हम लोग देखते हैं या न्यूज में देखते हैं हम लोग इसकी जरूरत क्या है तो बिकॉज मार्केट में क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है और ये कंपटीशन में टिके रहने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स को भी एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है सो so, एडवर्टीजमेंट जो है कंपटीशन को भी फेस करने में हेल्प करता है देन सेकेंड वन इज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग जो है सेल्स प्रमोशन को किस तरीके से हेल्प करता है सो so, सबसे पहले सेल्स प्रमोशन क्या होता है तो सेल्स प्रमोशन कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू मार्केटर जो है वो अपने प्रोडक्ट का सेल जो है वो इंक्रीज करते हैं अभी ये कौन से कौन से टेक्निक्स है जिसकी वजह से मार्केटर का सेल बढ़ सकता है तो इसके अंदर बेसिकली कुपोन्स आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट कुपोन्स दिया जाता है और वो कूपन के बेसिस पे क्या होता है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है सो so ये ये जो होते हैं भी एक टेक्निक होता है सेल्स को इंक्रीज करने का बिकॉज कूपन अगर हम लोग कस्टमर्स को देंगे तो डेफिनेटली कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी हमारे यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएंगे देन नेक्स्ट वन इज सैल्स मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करते कुछ सैंपल्स देती है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डावर चमनप्राश जो है उसके साथ पतंजलि का हनी जो होता था वो फ्री में दिया जाता था तो इस तरीके से फ्री सैंपल्स दिए जाते थे ताकि कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो नया प्रोडक्ट जो होता है एज अ फ्री सैंपल दिया जाता है और कस्टमर जो है उनको एक बार वो प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया तो बाद में मार्केटर उसको सेल कर सकते हैं सो पहले उस प्रोडक्ट को फ्री सैंपल के तौर पे दिया जाता है ताकि कस्टमर के बीच में वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो कस्टमर को वो प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगे और इसके बाद में फिर वो प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया जा सकता है तो ये भी एक सेल्स बढ़ाने का एक टेक्निक होता है एक्सचेंज ऑफर जहाँ पे पुराना चीज लेके आओ और नया चीज लेके आओ जैसे मोबाइल फोन में होता है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होता है इवन आपने प्रेस्टिज के कुकर का देखा होगा तो उसके अंदर भी क्या होता है कि पुराना कुकर लेके आओ और नया कुकर लेके जाओ तो ऐसा ही एक्सचेंज ऑफर हो सकता है आफ्टर सेल सर्विस मतलब रिपेयर्स और मेंटेनेंस के रिलेटेड भी सर्विसेज कंपनीज दे सकती है बिकॉज जो कंपनी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देती है तो उसकी इमेज अच्छी हो जाती है और फिर कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करते हैं देन कॉम्बो ऑफर हो सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा संतूर के ऊपर पेन फ्री दिया जाता था फिर संतूर के ऊपर ही पून फ्री दिया जाता था अभी संतूर के ऊपर कोलगेट फ्री दिया जाता है या फिर कभी कभी शैंपू के ऊपर कंडीशनर फ्री दिया जाता है तो ये सबको कॉम्बो ऑफर बोला जाता है देन गारंटी एंड वारंटीज वगैरह दी जाती है जैसे हीरो ये जो टू व्हीलर है इसके ऊपर फाइव ईयर्स की वारंटी दी जाती है जिसकी वजह से भी कंपनी का सेल बढ़ने में हेल्प होता है फिर कुछ फ्री गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं जो भी लॉयल कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ताकि वो कस्टमर जो कंपनी का प्रोडक्ट बार बार परचेज करे तो इस तरीके से ये सारे टेक्निक्स जो है वो कंपनी का सेल इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं अभी हम लोग देखते हैं कि ये सेल्स प्रमोशन को एडवर्टाइजिंग कैसे हेल्प करता है तो कंपनीज जो है वो अलग अलग सेल्स प्रमोशन की स्कीम जो है वो मार्केट में लाती है और ये सेल्स प्रमोशन के जो ऑफर्स है उनको जब तक ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया जाएगा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो सेल्स प्रमोशन के जो ऑफर्स है उसको सक्सेसफुल करने के लिए कस्टमर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और एडवर्टिजमेंट जो है वो सेल्स प्रमोशन के ऑफर्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो जो भी सेल्स प्रमोशन की ऑफर है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर कम्युनिकेट करके टारगेट ऑडियंस को बताई जाती है जैसे कि आप लोग देखते हो टीवी के ऊपर आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट की इतनी वारंटी है या फिर ये प्रोडक्ट के ऊपर ये फ्री मिलेगा या फिर आपको बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप परचेस करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा तो इस हिसाब से कंपनी जो भी सेल्स प्रमोशन की स्कीम या ऑफर इंट्रोड्यूस करती है उसको कंपनी क्या है? करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करती है जिसके वजह से कस्टमर्स क्या करते हैं वो सेल्स प्रमोशन को ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं तो इस हिसाब से ये जो सेल्स प्रमोशन है उसको एडवर्टाइजिंग जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो कंपनी के सेल्स प्रमोशन के ऑफर के बारे में टारगेट ऑडियंस को पता चलेगा नहीं तो बहुत सारे ऑफर जो है हम लोग टीवी के ऊपर देखते हैं सो एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन के बारे में टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म करके कंपनी का सेल जो है वो जनरेट कर रहा है अभी हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन को कैसे हेल्प करता है सबसे पहले पब्लिक रिलेशन क्या होता है तो पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है जहां पे कंपनी अलग अलग ग्रुप्स के साथ अपना एक रैपो मेंटेन करती है रैपो मतलब ही क्या होता है रिलेशन मेंटेन करती है जैसे कि एम्प्लॉज कस्टमर्स सप्लायर्स इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट ये सबके साथ कंपनी एक रैपो बिल्डअप करना चाहती है या रिलेशन डेवेलप करना चाहती है क्योंकि ये सब कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं और इनके सपोर्ट के बिना कंपनी जो है कस्टमर को परचेस करते हैं गवर्नमेंट है, है, जो है परमिशन वगैरह देते हैं या सपोर्ट वगैरह करते हैं तो इस तरीके से ये सब स्टेक होल्डर्स का बिजनेस को काफी बड़ा सपोर्ट होता है इसके लिए यहाँ पे पब्लिक रिलेशन के थ्रू कंपनी क्या करती है इनके साथ एक रैपो जो होता है वो पब्लिक रिलेशन से कंपनी यहाँ पे इवेल्युएट करती है कि जो भी पब्लिक है उनका कंपनी के पॉलिसीज के, तरफ, के तरफ या एक्शन के तरफ क्या एटीट्यूड है या क्या ओपिनियन है जैसे कि सपोज कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो वो प्रोडक्ट के तरफ लोगों का क्या एटीट्यूड है क्या ओपिनियन है वो कंपनी यहाँ पे चेक करना चाहती है या फिर सपोज कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए कोई पॉलिसी बनाई तो वो पॉलिसी के तरफ का क्या है, क्या है है ओपिनियन वो यहाँ पे कंपनी फाइंड आउट करती है तो इन शॉर्ट यहाँ पे पब्लिक रिलेशन जो है वो कंपनी को ये बताता है कि कंपनी के पॉलिसी के बारे में प्रोसीजर के बारे में एक्शन के बारे में ये सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स है ये क्या सोचते हैं या इनका क्या एटीट्यूड या ओपिनियन है सो so बेसिकली पब्लिक रिलेशन का जो पर्पज है वो ये है कि कंपनी की पॉजिटिव इमेज जो है वो और कंपनी के ऑफरिंग्स जो है वो उसके बारे में टारगेट ऑडियंस के माइंड में एक इमेज क्रिएट करे नाउ एडवर्टाइजिंग जो है वो पब्लिक रिलेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन जो है वो इनडायरेक्टली एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी ने कोई भी चीज को अचीव किया जैसे कि कंपनी को कोई अवार्ड मिला या कंपनी को कोई सर्टिफिकेट मिला या कंपनी कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है फिर सपोज कंपनी ने कोई सोशल एक्टिविटी वगैरह की तो ये सब के बारे में कंपनी क्या कर सकती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकती है जैसे कि आपको पता है कि रिलायंस फाउंडेशन जो है उनके थ्रू रूरल एजुकेशन के लिए काफी सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं फिर बाद में प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल्स का पहले होता था कि प्रोक्टर्स एंड गैम्बल्स के अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते थे तो उसका एक रुपया जो है वो रूरल एरिया के जो गर्ल्स चाइल्ड है उनके एजुकेशन के लिए डोनेट किया जाता था या फिर हम लोग देखते हैं कि कोई भी फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उन्होंने कोई नया मॉडल जो है वो मार्केट में अगर लॉन्च किया तो ये सारे क्या है कंपनी के अचीवमेंट्स है कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के तरफ तो उसके बारे में कंपनी क्या करती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को बताती है सो so, यहाँ पे कंपनी ने कुछ अचीव किया है कंपनी ने सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया है जिसका कंपनी क्या कर रही है पब्लिक को बता रही है ताकि पब्लिक के साथ कंपनी का एक रिलेशन बने और कंपनी के एक पॉजिटिव इमेज जो है वो टारगेट ऑडियंस के माइंड में क्रिएट हो और ये सब कैसे कम्युनिकेट किया जाता है तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये सब कम्युनिकेट किया जा सकता है कि कंपनी ने कितना डोनेशन किया या कंपनी कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है या सोसाइटी के लिए कंपनी और कौन से कौन से प्रोग्राम्स कर रही है तो ये सब एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया जा सकता है तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग जो पब्लिक रिलेशन के लिए यहाँ पे हेल्प करता है नेक्स्ट वन इज एंड डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग कैसे सपोर्ट करता है सो so पहले तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं और उसके थ्रू वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करते हैं मतलब वो कस्टमर को डायरेक्टली टारगेट करके उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको इंड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए उसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोला जाता है यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं जैसे एजेंट्स होलसेलर्स रिटेलर्स ये सब को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है या रिमूव किया जाता है और कंपनी और कस्टमर्स के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ना यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल डायरेक्ट मार्केटिंग के मेथड्स है जैसे कि येल्लो पेजेस या डायरेक्ट मेल जहां पे कंपनी सेल्स लेटर या कोई ब्रोशर या कैटलॉग जो होता है वो कस्टमर के एड्रेस पे पोस्ट से भेजा जाता है या फिर यहाँ पे कंपनी डोर टू डोर कॉलिंग कर सकती है मतलब सेल्समैनशिप वगैरह कर सकती है तो ये सारे ट्रेडिशनल डायरेक्ट मार्केटिंग के मेथड हो गए अभी कुछ मॉडर्न डायरेक्ट मार्केटिंग के मेथड्स भी है जैसे टेली मार्केटिंग हो सकता है टेली मार्केटिंग मतलब जहां पे कंपनी कॉल सेंटर के थ्रू कस्टमर्स को कॉल कर सकती है और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है देन डायरेक्ट रेडियो सेलिंग रेडियो के ऊपर भी प्रोडक्ट जो है उसके डिटेल जो है वो बताया जा सकते हैं कस्टमर्स को मैगजीन और टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट करके भी डायरेक्ट मार्केटिंग की जा सकती है या ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू भी मार्केटर जो है डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं जिसको कंपनी यूज करके डायरेक्टली कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है अभी एडवर्टाइजिंग किस तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कंपनी को हेल्प करती है तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसके फीचर्स के बारे में प्राइस के बारे में या उनके कोई ऑफर्स वगैरह है जैसे डिस्काउंट वगैरह है या गारंटी वारंटी वगैरह है वो या पेमेंट्स के बारे में या डिलीवरी डिटेल्स के बारे में जो है वो टारगेट ऑडियंस को बताया जाता है सो so, एडवर्टाइजिंग ये सब चीजें कस्टमर्स को या टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म करने में हेल्प करता है प्लस यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल या टोल फ्री नंबर जो होता है वो मेंशन किया जाता है कि ये नंबर पे आप लोग कॉल करो और कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हो सो so, इस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या कर रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है अभी डायरेक्ट मार्केटिंग में आपको पता है कि एमवे जैसी कंपनी या टपरवेयर जैसी कंपनी ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाली कंपनीज है तो ये लोग क्या करते हैं खुद के ऐसे ब्रोशर्स बनाते हैं या कैटेलॉग बनाते हैं जिसके अंदर उनके सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं प्राइस होते हैं पेमेंट के बारे में होता है देन उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं तो इस तरीके से ब्रोशर के थ्रू एमवे जो है वो क्या कर रही है कस्टमर के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग कर रही है और ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है जो कस्टमर को क्या कर रहा है कंपनी के ऑफरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और जिससे कस्टमर्स क्या करेंगे अट्रैक्ट हो गए वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है डायरेक्ट मार्केटिंग में भी कंपनी को हेल्प करती है नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग मतलब एडवर्टाइजिंग जो है पर्सनल सेलिंग में या सेल्समैनशिप में कैसे हेल्प करती है सबसे पहले सेल्समैनशिप जो है वे काफी ओल्ड और काफी पॉपुलर मेथड है गुड्स को और सर्विसेज को सेल करने का यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को वो परचेज करें यहाँ पे कस्टमर और जो सेल्समैन होते हैं उनके बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है जहाँ पे कस्टमर जो है वो सेल्समैन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सेल्समैन जो है वो कस्टमर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ना एडवर्टाइजिंग जो है वो सेल्समैन का काम काफी ज्यादा इजी करते हैं बिकॉज एडवर्टाइजिंग की वजह से कस्टमर्स को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में आइडिया रहता है जिसकी वजह से सेल्समैन के जो एफर्ट्स है कस्टमर को कन्विंस करने के वो थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज कस्टमर ने ऑलरेडी वो टीवी में या न्यूज में या मैगजीन में होल्डिंग में कहीं ना कहीं पे उसका एडवर्टीजमेंट देखा रहता है तो कस्टमर ज्यादा क्वेश्चन सेल्समैन को न पूछते हुए वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो पर्सनल सेलिंग में या सेल्समैनशिप में हेल्प करता है क्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप अभी एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप को कैसे हेल्प करता है? तो, पहले sponsorship क्या होता है तो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है या कल्चरल इवेंट या होते हैं तो इसमें क्या करते हैं कंपनीज ये सब इवेंट्स को स्पॉन्सर करती है स्पॉन्सर करना मतलब क्या वो इवेंट्स के लिए पैसा देना तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो ब्रांड या प्रोडक्ट होता है उसका एक डिस्टिंक इमेज क्रिएट करने में हेल्प होता है जैसे कि आईपीएल है तो आईपीएल को स्पॉन्सर कौन करता था तो वीवो मोबाइल सो so, वीवो मोबाइल जो है वो इतनी पुरानी कंपनी नहीं है बट बिकॉज उन्होंने आईपीएल को स्पॉन्सर किया इसकी वजह से बहुत ही कम समय में वीवो मोबाइल जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और वो आज के टाइम पे एक टॉप ब्रांड बन चुका है सेम तरीके से कौन बनेगा करोड़पति इसको आइडिया स्पॉन्सर करता है उसी तरीके से काफी सारे हमारे यहाँ पे सिंगिंग शोज होते हैं डांसिंग शोज होते हैं कॉमेडी शोज होते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह में क्रिकेट कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनको बहुत सारे कंपनीज जो है वो स्पॉन्सर करते हैं या फिर कुछ कल्चरल और सोशल इवेंट्स होते हैं जैसे गणपति फेस्टिवल होता है तो वहां पे भी आप लोग देखते हो कि वो गणपति को भी काफी सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं सो so, ये सरिंग करना जो होता है वो एक तरीके से पैसिव एडवर्टीजमेंट माना जाता है मतलब ये डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं है पर ये इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जिस इवेंट को वो कंपनी स्पॉन्सर करती है उस कंपनी का नाम जो होता है वो इवेंट के अंदर हाईलाइट किया जाता है जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति तो इसका जैसे ही नाम आता है तो उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे आइडिया का ये जो लोगो है वो दिखाई देता है या आईपीएल है तो उसके साथ साथ यहाँ पे विवो का नाम आ जाता है या गणपति के जो पंडाल्स वगैरह होते हैं तो वहां पे जिन्होंने भी वो गणपति के लिए स्पॉन्सरशिप दी है उनके जो बैनर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं तो भले ही यहाँ पे डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है बट इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर वो कंपनी का नाम जो है वो हाईलाइट किया जाता है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपनी का सेल जो है वो बढ़ रहा है तो इस तरीके से ये जो स्पॉन्सरशिप है उसको एडवर्टाइजिंग जो है हेल्प कर रहा है जहां पे कंपनी अगर किसी भी स्पोर्ट्स कल्चरल या सोशल इवेंट को स्पॉन्सर करती है तो एडवर्टीजमेंट में उसको हाईलाइट किया जाता है देन नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग न पैकेज जो होता है वो काफी अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसके वजह से वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंड्यूस करता है जो वेल पैकेज प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में और प्रोडक्ट के टाइप के बारे में कस्टमर को कम्युनिकेट करता है पैकेज जो होता है उसका रोल क्या होता है तो पैकेज के वजह से वो जो प्रोडक्ट है उसका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो इजी हो जाता है मतलब वो प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर हैंडल कर सकते हैं या कहीं पे उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो जाता है प्लस पैकेज के वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी रहती है बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके रखेंगे तो वो प्रोडक्ट खराब होने चांसे के चांसेस ज्यादा होते हैं लेकिन पैकेज की वजह से आप लोग देखते हो कि वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं देन पैकेज जो होता है वो प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है बिकॉज कस्टमर्स यहाँ पे पैकेज को देखते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं बिकॉज पैकेज के ऊपर ग्राफिक्स होते हैं प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं तो एक तरीके से ये पैकेज क्या कर रहा है प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है तो ये सारा रोल होता है पैकेज का न जो भी पैकेजेस यहाँ पे क्रिएटिवली डिजाइन रहते हैं तो उसके तरफ कस्टमर का अटेंशन जो होता है काफी जल्दी अट्रैक्ट होता है सो so, पैकेजिंग जो है वो एज अ एडवर्टाइजिंग एक्ट करता है ना एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट का पैकेज और ब्रांड का नाम जो होता है वो हाईलाइट किया जा सकता है या डिस्प्ले किया जा सकता है इसकी वजह से बायर जो होते हैं उसको ब्रांड के बारे में पता चलता है और जब भी वो बायर किसी भी स्टोर में वगैरह या पॉइंट ऑफ परचेस में जाते हैं तो वहां पे वो लोग क्या कर सकते हैं वो प्रोडक्ट को परचेस करने का डिसीजन ले सकते हैं जैसे कि आप लोग हाईवे से ट्रेवल कर रहे हो और वहां पे कॉम्प्लेन का इस तरीके से एडवर्टीजमेंट लगाया हुआ है जहाँ पे कॉम्प्लेन का ये जो पैकेज है वो आपको डिस्प्ले किया जा रहा है और जब भी आप लोग फिर कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो आप लोग क्या करोगे वो कॉम्प्लेन प्रोडक्ट जो है उसको परचेस करोगे तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट जो होता है पैकेज को और ब्रांड नेम को हाईलाइट करता है जिसकी वजह से बायर को ब्रांड के बारे में पता चलता है और बायर जब भी स्टोर में जाते हो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं देन नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग एंड ट्रेड फेयर एग्जीबिशन जो होते हैं वो कौन ऑर्गेनाइज करते हैं तो आई टी पीओ मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए एग्जिबिशन अरेंज करते हैं फिर कुछ ट्रेड एसोसिएशन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं ये लोग क्या करते हैं एग्जिबिशन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर ऐसे एग्जिबिशंस में कंपनीज जो होती है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कस्टमर्स के सामने ये जो ट्रेड फेयर और एग्जिबिशन होते हैं यहाँ पे बायर और सेलर जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं जहाँ पे सेलर जो है बायर को कन्विंस कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारी जगह पे एग्जीबिशन लगते हैं जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं और वो कंपनीज क्या करती है स्टॉल के अंदर अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करती है मतलब कोई भी कस्टमर आता है तो उनको प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है वो एक्सप्लेन करती है और बायर को अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वहां पे वो ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं या इवन वो लोग बायर के पास से बायर का नंबर ले सकते हैं और बाद में उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की डिटेल उनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस तरीके से ये ट्रेड फेयर एग्जीबिशन जो होते हैं हो, बायर और सेलर के इंटरेक्शन के लिए काफी जरूरी होते हैं न एडवर्टाइजिंग जो होता है वो ट्रेड फेयर एक्सिबिश में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहाँ पे ट्रेड फेयर एग्जीबिशन के जो टाइमिंग है डेट है या वेन्यू मतलब जो प्लेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाई जा सकती है फिर बाद में कोई स्पेशल ऑफर्स वगैरह होंगे तो उसके बारे में भी वहां पे एडवर्टीजमेंट में बताया जा सकता है जैसे आप लोग देख सकते हो कि खादी फेस्ट का ये क्या है एडवर्टीजमेंट है, जो एक पैम्पलेट के थ्रू किया गया है जिसमें सब कुछ लिखा है कि ये एग्जीबिशन किस टाइप का है फिर बाद में यह एग्जीबिशन पे होने वाला है उनके डिटेल्स वगैरह फिर बाद में उसके ऊपर जो ऑफर है है वो भी यहां पे किया है, तो इस हिसाब से ये जो एग्जीबिशन होने वाला है उसका एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में भी मार्केटर्स को हेल्प करती है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग किस तरीके से IMC को हेल्प करता है मतलब एडवर्टाइजिंग को छोड़ के जो दूसरे मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जैसे सेल्स प्रमोशन है 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 सेल्समैनशिप पैकेजिंग ट्रेड फेयर इन सब को एडवर्टाइजिंग कैसे हेल्प करता है तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एडवर्टाइजिंग जो है वो आई का काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडवर्टाइजिंग जो है वो बाकी सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन आई Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And also, recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.